वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आपके संग ऑल इन वन प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, साथ ही में अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो आज मैं आपके संग जो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, दिस इज रिजू ग्लो जेल। ये जेल इट्स अमेजिंग, ऑलमोस्ट ये सारे स्किन टाइप पे सूट करती है ये क्रीम। फर्स्टली मैं इस क्रीम को ट्राई और टेस्ट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा 1 मंथ कंप्लीट होगा इस क्रीम को ट्राई करने के बाद, तो मैं डेफिनेटली आपके संग इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। साथ ही में इसके अंदर जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड है, बाक एक्सट्रैक्ट है, तो क्या होता है ना, ये आपके स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप भी करती है। आपके ग्लाइकोलिक एसिड है तो आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करती है। तो आपकी अगर अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, तो उस पे ये क्रीम काफ़ी इफेक्टिव वर्क करती है। साथ ही में अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उस पे भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड भी है। तो ये दोनों एक्ने प्रोन स्किन वाले, पिंपल प्रोन स्किन वालों के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आर सुपर्ब, मैं हमेशा बोलती हूँ। और पिगमेंटेशन के लिए ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड आर अमेजिंग। इवन इसके अंदर विटामिन ई एंड एलोवेरा भी है। ये दोनों आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी हेल्प करते हैं, तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई आउट नहीं होती है। फिर भी अगर आपकी ड्राई आउट होती है स्किन, आपको ड्राई ड्राई फील होता है, तो आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें और मेक श्योर डे टाइम पे आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्बो सा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इफेक्टिव रिजल्ट के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपको इसको 3 मंथ्स तो यूज़ करना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले, मीन्स आपको ये क्रीम सूट नहीं करिए, तो आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, एट नाइट टाइम ही आपको इसको यूज़ करना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो हफ्ते में इसको सिर्फ 3 डेज लगाएं, फिर उसको 4 दिन कर दें, फिर 5 डेज, फिर 6 डेज, ऐसे धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन आप बढ़ा सकते हैं। एकदम से ट्राई मत करना, मे बी आपको सूट ना हो, रेडनेस, ईचिंग हो सकती है, बट इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स अभी तक फिलहाल नहीं देखे गए हैं। इसके MRP की बात करूँ तो इट्स जस्ट ₹270 का ये प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ऑनलाइन डिस्काउंट में 250 के अराउंड ईजिली मिल जाता है। मैं इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो इन केस अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट दिस क्रीम। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीजन से हेल्पफुल लगती है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।